एक बार हमारी ही शादी हो जाए फिर ये कौन कृष्णा कौन जीत, फिर तो सिर्फ गोपाला 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 ही होगी। अभिनय करते करते हमारी शकलें बिगड़ गई। क्या हुआ गोपाला, तुम ऐसे कैसे गिर गई? बैठो। ठीक हो तुम? ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हें? पता नहीं, जब हम तो बैठने गए थे अचानक चेयर अपने आप कैसे खिसक गई, समझ ना आया और कमर में लगी आए। मैं लगता तुम्हें ज्यादा चोट लगी है गोपाला। हम बाहर जाके घर वालों को बता देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि शादी की डेट थोड़ा आगे बढ़ा दे। तुम इतनी खुश थे शादी के लिए, अब तुम एंजॉय नहीं कर पाओगी तो क्या फायदा? हम भूल के आते हैं सबको। नहीं 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 नहीं, कौन जरूरत ना है, हम बिल्कुल ठीक ठीक है। अरे वो तो थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ ना हुआ है हमें। हाँ, और ऐसे मेहमानों को बुलाकर ऐसे फंक्शन कैंसिल कर देना ठीक ना लगता है ना? हम ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, हमें चिंता हो रही है तुम्हारी, तुम ठीक से संभाल पाओगी या नहीं? ये लंबी धारी भिखरी पाल, हम कह रहे हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, पक्का पक्का संभाल लोगी? ठीक है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, इतनी मुश्किल से हाथ आए मौका जाने थोड़े ना दे सकते हैं। चाहे तुम जो कर लो, लेकिन हम भी ये शादी इतनी आसानी से तो नहीं होने देंगे। आइए, नमस्ते, आइए। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो माँ बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? इसके पहले कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ जैसे कल हुआ। भगवान के सामने दिया कल जला ही नहीं। हमें तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं आज कोई अपशकुन ना हो जाए। शुभ शुभ बोल सरस्वती, कुछ नहीं होगा। जा, वो मेहंदी वाली लड़की आ गई है, उन्हें जगह दिखा दे कहाँ बैठना है, और देख ले सारा सामान बराबर लेकर आई है कि नहीं। हाँ, जा। जी। आइए, नमस्ते। अरे वाह, बहुत अच्छे से सजाया है, तैयारियां सब अच्छे से कर ली ना, मेहंदी वगैरह? हाँ। तुम एक काम करो ना, तुम जाके थोड़ा सा नाश्ता और चाय ले लो, वो मेहंदी लगाने बैठोगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तब तक हम गोपालों को बुला के लाते हैं। हाँ? चलो सुनो सब, आज हमारे पोते की मेहंदी है तो चलो अब नाच गाना शुरू करो, हल्ला मचाना शुरू करो। हमें माफ कर देना, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो फिर हमारा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। ये कैसे हो गया? इस साफ करके आती हूँ। अरे गोपाला, अभी डांस कर लो, फिर मेहंदी लगा के 1.5 घंटा बैठना ही तो है। चलो चलो आओ डांस करो, सरस्वती तुम भी चलो, चलो चलो।
हमें जल्दी करना होगा। गोपाला, अब रस्म का समय शुरू हो गया है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं मेहंदी वाली को लेकर आती हूँ। हाँ बैठो। ये मेहंदी वाली कहाँ गई? ये मेहंदी वाली कहाँ चले गई? यहीं से तो निकले। हमारे हैं गोपाला, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाने। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? हम फोन करते हैं उसको। ये किसको फोन लगाना है तुझे? मेहंदी वाली को। माँ दिख ही नहीं रही है कहीं पे भी। आ जाएगी, गोपाला को देखकर वो वहाँ चली जाएगी उसके पास। अरे तू दूल्हे की माँ है, तेरा नाचना तो बनता है। चलो चलो नाचने, चलो बजाओ बजाओ ढोल बजाओ जोर जोर से। चाहे जो हो जाए, हम गोपाला का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। अरे ये गोपाला वहां अकेले बैठी है, ये मेहंदी वाली कहाँ गई? हद है, इतनी देर पहले हमने उसे कहा था कि चाय पी के आ जाए, अभी तक आई नहीं। कहाँ कहाँ रह गई? वो रही। अरे तुम कहाँ रह गई थी? कब से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें, और गोपाला वहां इंतजार कर रही है, जाके उसको मेहंदी लगानी है कि नहीं? ये क्या, तुम घूंघट में क्यों हो? यहाँ कोई तुम्हारे ससुर बैठे हैं क्या, जिनको तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना है? अरे कुछ बोलोगी या मुंह में दही जमा के रखा है? अगर हमने घूंघट उठा दिया तो सच सबके सामने आ जाएगा। तुम एक काम करो, पहले तो ये घूंघट हटाओ यहाँ से। इधर आओ। ये क्या, अरे हटाने दो। अरे क्या तुम गैया की तरह यहाँ वहां मुंह हिला रही हो? इधर आओ। क्या हुआ माँ? सरस्वती, ये तुम क्या घूंघट घूंघट खेल रही हो? ये आ गई है ना, तो उसको भेज दो ना वहाँ गोपाला को मेहंदी लगाने के लिए। तुम जाओ, जाके गोपाला को मेहंदी लगाओ, बहुत देर हो गई है। और तुम चलो, अरे नाचना है ना तुम। जी एक मिनट। अच्छा सुनो, गोपाला के हाथ में जीत का नाम एकदम बारीकी से लिखना और एकदम छुपा भी देना, ताकि पूरी रात जीत उसका नाम ढूंढता ही रह जाएगा। आप तो बस नाम छुपाने की बात कर रहे हैं, हम पूरी मेहंदी ऐसे लगाएंगे कि सब लोग बस पढ़ते ही रह जाएंगे।
इतना घूंघट काहे ढाक के रखी हो? शर्मा रही हो का? तो शकल दिखाओ। गोपाला, तुम्हारी जान लेना चाहती है। क्या हुआ दूल्हे राजा, ऐसे कोने में घुमसुम क्यों खड़े हो? आओ एक दो ठुमका तो हो जाए। आओ आओ। नहीं नहीं चाची जी। अरे आओ ना। मेरा मन नहीं है। ऐसे किसे मन नहीं है तुम्हारा? शादी है तुम्हारी, ये भी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। बहाने छोड़ो और चलो, देखो गाना भी बज रहा है। चलो 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 चलो, चलो, चलो। एक दो ठुमके तो बनते ही। बस करो चाची। नहीं है हमारा मन डांस करने का। अरे आप लोगों को करना है तो करिए, मन नहीं है हमारा। जबरदस्ती कब से बोले जा रही है कि डांस कीजिए डांस कीजिए। अरे ठीक है जीत, गुस्सा मत हो। अब कोई बात नहीं, जीत की जगह पर हम नाच लेंगे। हाँ अब चल जाकर देखते हैं गोपाला की मेहंदी कैसी रची है। चलो चलो सब जाकर देखते हैं। हाँ चलो आ जाओ। गोपाला अपने हाथों की मेहंदी तो दिखाओ, कैसी लगी है हम भी तो देखें। जी दादी। बीवी घर में रहकर पुरानी हो गई है, उसके हाथों में लगी हुई मेहंदी को देखो। इससे पहले कि गोपाला कुछ करे, जीत की ये नाम ये पढ़ो, क्या लिखा है हमने, गोपाला का हाथ पढ़ो। प्लीज जीत, जल्दी से ये पढ़ो और गोपाला की सच्चाई सबके सामने लाओ। गोपाला दिखाओ अपनी मेहंदी। क्या हुआ गोपाला? क्या करे, अगर ये मेहंदी सबने देख लिया तो पूरा पिलाल चौपट हो जाएगा, हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सोच गोपाला कुछ सोच। दिखाओ गोपाला मेहंदी, ये रसम खत्म करते मेहंदी दिखा के देखो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे दिखाओ ना। हाँ, दिखाते हैं ना। वो कहा है कि हमें शर्म आ रही थी पर हम दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, अचानक कहाँ से छींक आ गई सारी। बहुत चालाक है ये लड़की, जब 100 शैतान मरे होंगे ना तब जाके ये पैदा हुई होगी। अरे ये तो अपशगुन हो गया। अपशगुन देखिए, अपशगुन अपशगुन ना है ये मेहंदी से नक्शे बन जाए तो सगुन,
और नक्शा बिगड़ जाए तो अपशगुन। ऐसी कोई बात नहीं होती, बस दिल में प्यार होनी चाहिए, है ना माँ जी? इससे पहले कि गोपाला कुछ करे, कुछ और प्लान बनाए, हमें हमें निकलना होगा यहाँ से। हम ये हाथ जरा साफ करके आते हैं। इतना जल्दबाजी में भागते भागते कहाँ जा रही है? इतना लंबा घूंघट क्यों लिया हुआ है? इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? कहीं हमारी कृष्णा तो नहीं? क्या करे, कैसे उसका सच सबके सामने लेकर आए? जो कोई भी हो ना, छोड़ेगी तुम्हें। उस लड़की की हमारे हाथ में हमारा सच निकली, और सबसे बड़ी बात उसे पता कैसे चली कि हमने ये सब कुछ किया? कहाँ चली गई वो लड़की? उसे तो आज हम बताएंगे। ओए है बाहर, दरवाजा खोलो। हाँ, ये कौन है अंदर? कमरे के अंदर क्या कर रही थी और किसने तुम्हें बंद किया? हमको क्या पता, पूरे घर अजीब है। अरे मेहंदी के लिए बुलाते हैं, रूम में बंद कर देते हैं, एक घंटे से दरवाजा खटखटा रहे हैं, और अब जाके खोले? अब ना हम कुछ नहीं करने वाले, सारा समय बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अरे सुनो, अगर ये कमरे में बंद थी तो ये मेहंदी किसने लगाई? कृष्णा, तू कृष्णा हो ना?
समझ में नहीं आ रहे तुम यहाँ ऐसे कैसे और हम रू क्यों नहीं पा रहे तो तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए और नीचे मेहंदी ये सब कि क्या हो क्या रहे जो चल क्या रहा है कृष्णा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें तुम कृष्णा ही होना जानते हैं तुम हमारी बहन कृष्णा ही होना कृष्णा होना तुम बोलो ना फिर कुछ चुप क्यों हो बोलो क्या है ये सब कुछ तुम यहाँ क्या बोलो ना क्या बोले हम कितना भी चीख ले चिल्ला ले पर तुम्हें हमारी आवाज नहीं आएगी क्यों सुनाई नहीं देता हमें तुम सुन सकती हो हमें हाँ हाँ तो तुम्हें हमारी आवाज आ रही है कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो सामने खड़ी हो तुम हमारे देख सकते हैं तुम्हें तुम दिखाई दे रही हो सुनाई दे रही हो बस हम तुम्हें छू नहीं पा रहे कनेक्ट नहीं रखा पाए तुम्हें क्यों हमें नहीं पता सब क्या हो रहा है हमें समझाओ ना किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है ये बताओ बोलो तो ना मैं कोई देख पा रहा था ना सुन पा रहा था मेरा भी कैसे खैर हम बताते हैं तुम्हें हमारी जो ये हालत है ना इसकी जिम्मेदार गोपाला है गोपाला गोपाला हमें ना इस लड़की पर पहले से शक था कभी पसंद नहीं थी हमें ये लेकिन हम ना इसे छोड़ेंगे नहीं इसे इसके किए की सजा देंगे